हमारे समाज के LGBT समुदाय यानी लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स, अलग यौनिकता वाले लोगों को न सिर्फ हीन भावना के साथ देखा जाता है बल्कि उन पर अक्सर जुल्म भी किए जाते हैं और ज्यादातर इसकी शुरुआत उनके अपने घरों से ही हो जाती है। मुझे पापा ने बहुत मारा था, गला दबाया था बेल से और आई वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। पापा इतना मारता था कि इधर काना गिर गया था, यहाँ से ऐसा खून बहता था, जीना हराम कर दिया था कि तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया। जिल्लत और उपेक्षा सहते हुए अक्सर बचपन बीतता है। हम जैसे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या मोहल्ले में खेलते हैं तो लोग हमें छक्का, मामू, सिक्सर इस टाइप के शब्दों से संबोधित करते हैं जिससे हमें बहुत हर्ट होता है। When I was studying my college days, my electronics training, मेरे कॉलेज के दिनों में इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी क्लास के 6 लड़कों ने मुझे टॉयलेट ले जाकर मेरा यौन शोषण किया, मेरा रेप किया। जब मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की तो उन्होंने कहा पहले तुम्हें सुधरने की जरूरत है, तुम सुधर जाओ तो ऐसा नहीं होगा। कई समलैंगिक लड़कियों का उनके परिवार के ही लोगों के द्वारा शारीरिक शोषण होता है। बकायदा फैमिली में रेप करवाते हैं क्योंकि उसने पुरुष का संग नहीं किया है, उसको पता नहीं है, तो कजिन्स को सुलाते हैं उसके साथ। IPC की धारा 377 सेक्शन 377 के अंतर्गत समलैंगिक संबंध दंडनीय अपराध है। इस कानून की आड़ में अक्सर पुलिस भी LGBT समुदाय के लोगों पर जुल्म करती है। उसको मिसयूज करते ना, मेरी सेक्सुअलिटी को घर तक पहुंचाने के डर से मेरे पास जितने पैसे हैं चलो निकाल लो और मैं दे भी दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर तक अगर बात पहुंच गई तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम पुलिस नहीं देती थी, पकड़ पकड़ के कींच कींच के लेके जा के स्टेशन में डालते थे, बाल कींच के लेके जाते। परिवार में अस्वीकृति, अत्याचार, समाज में बदसलूकी, ब्लैकमेल, हिंसा, यौन शोषण, रेप और कानून की निगाह में एक प्राकृतिक चीज के लिए मुजरिम करार दिए जाना। लगातार इस किस्म का अमानुषिक बर्ताव हो रहा है हमारे समाज के एक हिस्से के साथ। क्या किसी भी सभ्य समाज को इसे और बर्दाश्त करना चाहिए? दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं अंजलि गोपालन जो नास फाउंडेशन नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और गौतम भान जो वॉइसेस अगेंस्ट 377 इस नाम की संस्था से हैं। अंजलि, आपने दिल्ली हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल किया था, क्या था वो पिटीशन और क्यों फाइल किया था उसके बारे में हमें बताइए। 1999 या 2000 की बात थी कि तब तक मैं बहुत दिनों से फैमिलीज की काउंसलिंग कर रही थी। मेरे पास एक मदर फादर अपने बेटे के साथ आए, 5-6 घंटे तक ऑफिस में मेरे साथ बात करते रहे और फिर उन्होंने कहा ठीक है अगर मेरा बच्चा गे है ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, चलो बेटा यहाँ से चलो। और फिर 2 महीने के बाद ये लड़का आया, 20-21 साल का लड़का होगा, तो एकदम घबराया सा उसका चेहरा था। तो मैंने कहा हुआ क्या, तो कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक दिल्ली के बहुत बड़ी अस्पताल है वहाँ ले गए थे और उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया गया ताकि वो होमोसेक्सुअल से हेट्रोसेक्सुअल बन जाए। तो उस वक्त मेरा पारा ऐसे चढ़ा, तो मैंने कहा कि मैं करूं तो क्या करूं, तो मैं इमीडिएटली उसी दिन मैंने पिटीशन लिखा और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अगले दिन पहुंच गई। फिर थोड़े महीने के बाद हमें एक लेटर मिलता कि हम ये पिटीशन फाइल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये सेक्शन 377 के तहत गैरकानूनी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब है हमें इस कानून को बदलना ही पड़ेगा, कानून बदलना होगा क्योंकि ये कानून जो है बड़ा अजीब कानून है। ये कानून ऐसा है जिसमें अप्राकृतिक शब्द कानून में है, धारा कहती है अप्राकृतिक यौन संबंध, ये बताता था कि कानून की नजर में ये अप्राकृतिक है। तो ये एक ऐसा कानून है जो आपको सिखाता है कि आप अपने बारे में कैसे सोचो। ये समाज को बताता है। कानून आया कहां से? ये एक 1860 का कानून है। मतलब ये अंग्रेजों ने लाया? बिल्कुल। उनका कानून अभी उन्होंने चेंज किया 50 साल पहले। 50 साल पहले उन्होंने अपना चेंज कर दिया और हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। सवाल ये है कि दो निजी व्यक्तियों के बीच अगर रजामंदी से आकर्षण है, चाहत है और वो बालिक उम्र के हैं और ये आपका अस्तित्व है और आपकी पहचान है,
तो कानून आके इसको अप्राकृतिक करार किस आधार पे करता है? तो असली मुद्दा यह है कि क्या मुझे अपनी अपने शरीर पे मेरा अधिकार है या नहीं। बिल्कुल, दिस इज द मेन पॉइंट ओवर हियर। 2009 में हमें बहुत ही जबरदस्त जजमेंट मिला दिल्ली हाई कोर्ट से, दैट बेसिकली मेंट कि अभी होमोसेक्सुअलिटी डीक्रिमिनलाइज्ड हो गया है। हाँ, अब ये जुर्म नहीं है। हाँ, जुर्म नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये कह दिया कि अब ये गैर कानूनी नहीं है, तो उसमें क्या जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने? जाके ये दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट को कहा कि लेट्स गेट रिड ऑफ इट, जजमेंट को खारिज कर दिया। उन्होंने माना नहीं कि इस कानून के तहत भेदभाव होता है, उन्होंने माना नहीं कि इस कानून के नाम पे हिंसा होती है, उन्होंने कहा मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, हाँ। आप गिनती में इतने हैं नहीं कि आपके हकों का हमें परवाह करनी चाहिए। पर मुझे लगता है संविधान के हक हर भारतीय के हक, कोई भी न्यायालय उनकी रक्षा कर सकता है पर ले नहीं सकता। मैं नहीं मानता कि एक जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने अब संविधान से दिए गए हक मुझसे वापस ले लिए। और 377 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, सामान्यता का उल्लंघन करता है, संविधान का अपमान करता है, और इस सब के लिए हम सबको आवाज उठाना है उसके लिए। दोस्तों, एलजीबीटी समुदाय पर आज जो जुल्म हो रहे हैं उनको बंद करना है तो सेक्शन 377 में बदलाव लाना होगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो हमारे मुमकिन है कैंपेन का हिस्सा बनिए और इस टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए 1-800-833-4003। दोस्तों, आज के टॉपिक के लिए हम दो संस्थाओं को सपोर्ट कर रहे हैं। पहली है नाज फाउंडेशन, जिसके साथ अंजलि जी जुड़ी हुई हैं, और दूसरी संस्था है हमसफर ट्रस्ट, जो इसी विषय पर बहुत अच्छा काम कर रही है। हम सफर ट्रस्ट से यहाँ हमारे साथ विवेक राज आनंद और सोनल ज्ञानी मौजूद हैं। आप इन दोनों संस्थाओं को अपना सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नाम से चेक बनाइए और नज़दीकी एक्सिस बैंक शाखा पर जमा करा दीजिए। आप उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको एक्सिस बैंक की किसी भी शाखा पर मिल जाएगी। आप एयरटेल मनी के जरिए भी इन संस्थाओं को योगदान दे सकते हैं। उसकी जानकारी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इसके अलावा हमारी फिलैंथ्रोपी पार्टनर रिलायंस फाउंडेशन भी इस विषय पर 1 करोड़ रुपयों का योगदान दे रही है, जो इन दोनों संस्थाओं में आधा आधा बांट दिया जाएगा। अंजलि जी, गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच।